ना से मिल रही है। जहां संवाददाता गजेंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया, गत दिवस कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उन्हें अपने संपूर्ण जीवन काल में एक भी पदोन्नति नहीं मिली। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सिस्टम में बड़ी कमियां हैं। यह बात राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भार्गव ने अपने उद्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि बमोरी विकासखंड के ग्राम चक पाचूरा में पदस्थ गुरुदयाल शर्मा ने वर्ष 1986 में सहायक शिक्षक के पद पर नौकरी ज्वाइन की थी। आज 36 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने के बाद भी सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन इस कार्यकाल में उन्हें एक भी पदोन्नति नहीं मिली है। यह बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। गत दिवस आयोजित विदाई समारोह में राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भार्गव ने कहा कि जिले में ही नहीं अपितु प्रदेश में सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन सरकार पदोन्नति की ओर ध्यान नहीं दे रही है। विदाई समारोह कार्यक्रम में रामपुर कॉलोनी के प्राचार्य ओम प्रकाश शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवाह के प्रभारी अशोक भार्गव, माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक रामकिशन, राम भगत, जिला मीडिया प्रभारी दामोदर ठाकर, ब्रजमोहन सिंह किराट, जन शिक्षक मनमोहन लोधा, शिव प्रताप सिंह रघुवंशी ने सेवानिवृत्त शिक्षक गुरुदयाल शर्मा की कार्यकाल और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें समारोह पूर्वक विदाई दी। प्रधान अध्यापक श्री भगत ने सेवानिवृत्त शिक्षक को शाल, श्रीफल और तिलक लगाकर विदा किया। व्याख्याता के पद पर वो ज्वाइन हुए थे और व्याख्याता के पद पर ही रिटायर हो गए। ठीक उसी प्रकार से गुरुदयाल जी ने भी सहायक शिक्षक के पद पर नौकरी ज्वाइन की थी और आज सहायक शिक्षक के पद पर ही वे रिटायर हो रहे हैं। ये वास्तव में बड़ी विडंबना है। इसे हम शासन की विडंबना कहेंगे या शासन की व्यवस्था को दोष देंगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 36 वर्ष से कई अधिक सरकारी सेवा में व्यतीत कर दिए हो और उसे जीवन काल में एक भी पदोन्नति ना मिली हो, इस व्यवस्था के लिए हम क्या कहें। वाकई में ये बड़ी सोचनीय और गंभीर बात है कि हम सरकारी सेवा करते हैं और उसके बाद में जब अंत में सेवा से निवृत्त होते हैं तो कोई सरकार की तरफ से हमें कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं होती है, तो ये जीवन भर के लिए हमें बड़े दुख का विषय होता है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई थी 1995 में तो मेरे साथी ओम प्रकाश जी और भगत जी ने मुझे यहाँ पर ज्वाइन कराया था। मुझे याद है 28 फरवरी 1995 को मैं यहाँ पर ज्वाइन हुआ था। उस समय भगत जी हमारे प्रधान अध्यापक थे, गुरुदयाल जी भी मेरे स्टाफ में थे और गुरुदयाल जी के साथ में भी मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। मैं 1995 से जनवरी 2005 तक लगभग 10 वर्ष तक इस विद्यालय में मैंने कार्य किया है। मैं जानता हूँ गुरुदयाल जी एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए उच्च विचारों को प्रतिपादित करते हैं और यही उनकी सहजता और सरलता दूसरों को प्रेरणा देती है। एक साधारण और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आपका जीवन यापन करते हुए आपने शिक्षा जगत में जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई में दूसरों के लिए अनुकरणीय है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आज की जो व्यवस्था है, जो कार्यक्रम आपके सामने आयोजित किया गया है, मैं उसके लिए इस संस्था के प्रधान अध्यापक सम्माननीय भगत जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सारी व्यवस्थाएं उनके स्टाफ के साथ उन्होंने आगे रहकर और इतना ये शानदार और भव्य विदाई समारोह आयोजित किया है। मैं बधाई और शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आनंदी भगत जी का। उनका भी सारी उत्साह एक बार जोरदार स्वागत किया जाए। जीवन निरंतर चलने वाली सतत एक प्रक्रिया है।